नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी की जो धनिया मंडी है, धनिया मंडी में मौजूद हैं और हमारे साथ जाने माने व्यापारी जो कि इसमें एक्सपर्ट है धनिया के मामले में और भी दूसरी क्रॉप के मामले में, नवल जी मित्तल हैं। नवल जी से जानेंगे कि आज की स्थिति में धनिया क्या कह रहा है। आज की स्थिति में धनिया के समीकरण ही कुछ बदले हैं। क्या हुआ है कि अभी एक डेढ़ महीने पहले ये वातावरण था कि शायद धनिया बहुत कम पैदा हुआ, कैरी फॉरवर्ड कम है, मगर अब जब छन छन के जो खबरें सब तरफ से आई है तो ये लगने लगा कि धनिया तो बाद की जो बारिश हुई उसमें भरपूर पैदा हो गया। तो लोगों का जो मनोवामना वृत्ति बहुत एकदम भयंकर तेज़ी में है, वो भी अभी वर्तमान जो एकदम भाव थोड़े 5-7 रुपये निकले हैं, वो जो भाव गीला माल बिक रहा था उसमें सूखा बिकने लगा। ऑल इंडिया वाइज मंडियों में 2.5 से 3 लाख बोरी रोज़ के आने लग गई। अभी मध्य प्रदेश में 1 लाख बोरी कम से कम रोज़ आ रही है हमारे MP में। ऐसे में क्या है कि हो सकता है, मैंने पूर्व में जो बयान दिए थे कि भाई ये बहुत एक्स्ट्रा साल है, मगर पिछले साल से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, तो मगर समान रह सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज़ी इसलिए नहीं हो सकेगी क्योंकि हर गोडाउन में माल भरने लगा, हर आदमी के पास माल हो गया। और पुराने लोग कहते थे कि भाई गोदाम का कोना कोना जब माल रह जाता है कोने में तब वो फलता है। अब मगर पूरे गोडाउन जब भरे पड़े होंगे तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज़ी बनने का कैसे सवाल बनेगा, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड भी 80 लाख 90 लाख बोरी बता रहे हैं, फिर वर्तमान में जो पैदावार हुई है वो भी 80-90 लाख हो गई है और 125 से 150 करोड़ की खपत रहती है। ऐसे में थोड़ा सा बाजार अब रुकेगा, आव के जब तक थमेगी नहीं, या तो आवकों का प्रेशर जब कम होगा तब इसके नए सिरे से समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे कि क्या होता है। मगर मेरा व्यक्तिगत अभी ये स्थिति है कि बाजार रुकेगा, थमेगा, 2-4-5 रुपये निकल भी सकता है क्योंकि बहुत एकदम बाजार जो गीला बिका था उस भाव में सूखा बिकने लगा है। अभी की स्थिति क्या चल रही है, मिनिमम मैक्सिमम अभी ये मान के चले आप 7,000 से 8,000 रुपये धनिया बिक रहा है गीला ग्रीन माल, और 6500 में बादामी, 6500 से 7,000 रुपये में बादामी माल बिक रहा है। लास्ट अपन 15 दिन पहले जो बिक रहे थे उस टाइम पे, हाँ उसमें और आज में कम से कम 5-7 रुपये का फर्क पड़ गया है, 5-7 रुपये किलो का फर्क। मतलब ये जो आवकों की वजह से आवकों का प्रेशर इतना होगा ये किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, सोचा नहीं था कि इस तरह माल भी आएगा कि, और ग्रीन माल निकल कर के आने लगा। ग्रीन की तो लोगों ने सोचा नहीं था ग्रीन आएगा, अब आज ग्रीन मंडी में 8,000 रुपये वो काफी, आप देख रहे हैं उस दिन अपन जब थे ग्रीन के इक्का दुक्का ढेर जब 12-13 हज़ार बिक रहा था, आज वही ढेर 9-10 के आसपास बिक रहे हैं। ऐसे में थोड़ा वातावरण और होता है, व्यापार है, व्यापार में तेजी मंदी होगी, नहीं तो व्यापार कैसे होगा। नहीं तो अभी कब तक ये दौर मंदी का रह सकता है? अभी ये मंदी का दौर तो ऐसा है कि जब तक ये आवक है, आवकों का प्रेशर है, आवके में अगर ये 5-7 बोरी पे आके सिमट जाएगा, जब जाके लगेगा कुछ थोड़ा कि भाई आगे भविष्य इसका और ज़्यादा बहुत उज्ज्वल हो जाएगा, नहीं तो ये बाजार बस 2-4-5 रुपये गड़बड़ के साथ ये शिथिल चलता रहेगा क्योंकि वैसे भी इसकी कीमत अच्छी है, 70-80 रुपये धनिया कोई खोटा नहीं है, कम नहीं होता है, 30-40 रुपये की रेंज हुआ करती थी इसकी, अब 2-3-4 सालों में ये 60 से ऊपर रेंज हो चुकी है इसकी, 50 से 60 रुपये से कम तो कोई धनिया कभी रहता नहीं है, किसान को बहुत फ़ायदा है।